स्वाद की दीपिका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे पूजा के लिए ठेकुआ, प्रसाद पूजा या छठ पूजा, इस पे ठेकुआ बनाया जाता है जो हम आज बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं ठेकुआ बनाना। बिहार में इसे ठेकुआ कहते हैं, आप क्या कहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ठेकुआ। मैंने लगभग दो से अढ़ाई कप मैंने मैदा लिया था। मैदे में मैंने डाला है नारियल, इसमें नारियल डालकर और 1 कप रिफाइंड ऑयल और 1 कप चीनी, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मैदा, चीनी, 2 कप मैदा, 1 कप रिफाइंड ऑयल और 1 कप चीनी, जिससे नापा था ना उसी से मैं दूंगी। और इसमें नारियल काट के दे दिया है। इन सब चीज़ों को हाथों से अच्छे से पहले मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी देना है, उसे आटे की तरह गूंथना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी पानी देके इसे मिक्स करना है ताकि वे हाथों से लड्डू जैसा बन सके। इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा पानी देके और लड्डू जैसा बनाएं। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आपको ना लगे कि ये मिक्स है या अगर ये हाथ से बंधे ना, तो थोड़ा सा और पानी देकर इसे चारों तरफ से इसके में जो चीनी हो उसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये हाथ में लड्डू सा बन जाए तो इसे ठेकुआ बनाने वाला जो साँचा होता है ना, उसमें हल्का सा घी लगा के इसे अच्छे से दबाएं और चारों तरफ से अच्छे से कर, ताकि वह टूटे नहीं। बस यही सारी लड्डू को मैंने साँचे में अच्छे से दबाकर इस तरह का डिज़ाइन दिया है। और अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इसे पंखे, जो लकड़ी का पंखा होता है ना, उसमें भी दबाकर इसके अच्छे डिज़ाइन दे सकते हैं। गरम करके इसे फ्राई कर लो। पहले तेज आंच पे गरम घी को या रिफाइंड ऑयल को गरम करें। मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाया है और इस ये गरम हो चुकी है, इसमें मैंने डाल दिया। और ये देखिए, ये अच्छे से लाल हो गई है एक तरफ से। इसे पलटना है, इसे लाल करना है दोनों तरफ से। जब पक जाए, लाल हो जाए तो निकाल लें। बस हो गया ठेकुआ तैयार। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।